दिल से बुलाए मांसु कुमार आया था। हाइड्रोलाइसिस और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? तो ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया रिएजेंट है हमारा दोस्त अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो मैग्नीशियम हमारा सेकेंड ए ग्रुप का मेटल है और हेलोजन हमारा सेवंथ ए ग्रुप का नॉन मेटल है। तो यहां बनने वाला बॉन्ड हमारा दोस्त आयोनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप का मेटल है और कार्बन हमारा फोर्थ ए ग्रुप का नॉन मेटल है। तो सेकेंड ए ग्रुप का मेटल और फोर्थ ए ग्रुप के नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में बहुत ही ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में दोस्त कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहां पर दोस्त कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोलाइसिस, तो लाइसिस का मतलब होता है दोस्त डिसोसिएट, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रस होता है, और हाइड्रस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से, तो उसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। अब हम दोस्त डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त वेन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज रिएक्टेड विथ वाटर then alkane is formed। जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रतिक्रिया करता है पानी के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन बनता है, तो उसी को हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब लो दोस्त एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल हमारा दोस्त आर एम जी एक्स और रिएजेंट हमारा वाटर। अब देखिए दोस्त वाटर को तोड़े तक टूट गया H प्लस और OH माइनस में। मैग्नीशियम और अल्काइल ग्रुप में से अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड आया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और मैग्नीशियम के पास एरो का टेल गया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया।
अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब यहां पर मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है हेलोजन, जोड़ दिए हेलोजन को। मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए, आर के लिए अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए। ओएच ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं तो यहां पर लिख दिए हाइड्रोक्सी, और एमजी को मैग्नीशियम बोलते हैं तो यहां पर लिख दिए मैग्नीशियम, और एक्स को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं यहां पर लिख दिए हैलाइड। आर के लिए रूटवर्ड अल्क होता है यहां पर लिख दिए अल्क। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाई एल बोलते हैं, एमजी को मैग्नीशियम बोलते हैं। और हेलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है क्लोरीन ग्रुप, और रिएजेंट हमारा दोस्त वाटर। तो वाटर को तोड़े तो टूट गया H+ और OH- में। अब देखिए दोस्त मैग्नीशियम और कार्बन में से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है तो कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो कार्बन के पास एरो का हेड आया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दी। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। तो कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन उसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ दिए तो बन गया CH4। मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए, मैग्नीशियम से सीधा जुड़ा हुआ है क्लोरीन ग्रुप तो सीधा जोड़ दिए क्लोरीन ग्रुप को। मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मीथेन। ये हमारा हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी लिख दिए। एमजी को मैग्नीशियम पढ़ते हैं तो मैग्नीशियम लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं यहां पर लिख दिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। एक कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया मीथ, खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाई ए लिख दिए, एमजी को मैग्नीशियम बोलते हैं यहां पर लिख दिए मैग्नीशियम। क्लोरीन ग्रुप को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं यहां पर लिख दिए क्लोराइड। तो जब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करता हो वाटर के साथ तब
मेन प्रोडक्ट के रूप में मीथेन और बायो प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 से जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम ब्रोमाइड और रिएजेंट के रूप में वाटर है। तो वाटर को तोड़े दोस्त टूट गया H+ और OH- के रूप में। मैग्नीशियम और कार्बन में से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है तो कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो एरो का हेड कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल मैग्नीशियम के पास गया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 ग्रुप था तो CH2 ग्रुप लिख दिए। अब यह नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। तो CH2 ग्रुप में दोस्त एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो बन जाता है CH3। यहां पर CH3 लिख दिए। मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए। मैग्नीशियम से सीधा जुड़ा हुआ है ब्रोमीन ग्रुप तो मैग्नीशियम से ब्रोमीन ग्रुप को जोड़ दिए। मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ होता है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेन हो गया। ये हमारा हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है तो लिख दिए हाइड्रोक्सी। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं तो लिख दिए मैग्नीशियम। और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं तो लिख दिए ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक कार्बन दो कार्बन तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। Mg के लिए मैग्नीशियम लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त यह हमारा बेंजीन का रिंग है। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम ग्रुप और मैग्नीशियम ग्रुप से जुड़ा हुआ है क्लोरीन ग्रुप। रिएजेंट के रूप में वाटर लिया गया है तो वाटर को तोड़ते हैं दोस्तों टूट जाता है H+ और OH- के रूप में। मैग्नीशियम और कार्बन में से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन का रिंग लिख दिए। अब देखिए दोस्त यह नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो यहां पर हाइड्रोजन लिख दिए।
मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख देंगे, और मैग्नीशियम से सीधा जुड़ा हुआ है क्लोरीन ग्रुप, तो यहां पर क्लोरीन ग्रुप को जोड़ दिए। अब यह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, इस बेंजीन का, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, तो बेंजीन के रिंग को प्यार से फिन बोलते हैं, यहां पर लिख दिए फिन, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाई एल लिख दिए, तो नाम हो गया फिनाइल। एमजी के लिए मैग्नीशियम लिख दिए, क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमारा बेंजीन का रिंग है तो बेंजीन लिख दिए, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी लिख दिए। ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो जब फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, तो होने वाला रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। चीते की चाल बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।